मंगलवार। अब हम सौर संधि के तो प्रिय विद्यार्थियों से प्रेम नमस्ते। सौर संधि के दो भेद और भी माने जाते हैं। सौर संधि के दो भेद और भी माने जाते हैं, और भी माने जाते हैं। पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि और दूसरा है पर रूप संधि। पहला था हमारा पूर्व रूप संधि और दूसरा है हमारा पर रूप संधि। पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में जब ए या औ, जब ए या ओ के सामने, ए या ओ के सामने, ओ के सामने हर्ष, हरिश्चव, हरिश्चव ए आज आने पर, ए आने पर, ए आने पर वह पहले ए या ओ में मिल जाता है। वह पहले ए या ओ में मिल जाता है, मिल जाता है। इस प्रकार ए का पूर्व रूप, इस प्रकार ए का पूर्व रूप, ए का पूर्व रूप हो जाता है, हो जाता है। इसे पूर्व रूप संधि कहते हैं, इसे पूर्व रूप संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे जैसे हमारा चलेगा मनोजमा अभिलाषी, मनो जमा अभिलाषी। इसमें आ जाएगा हमारा मनोषभिलाषी। क्या बन जाएगा? मनोषभिलाषी, मनोषभिलाषी, भिलाषी। यशो जमा अभिलाषी, यशो जमा अभिलाषी, यशोस भिलाषी। क्या बन जाएगा? यशोस भिलाषी, यशो भिलाषी, यशोस भिलाषी। अब हमारा दूसरा है पर रूप संधि। दूसरा क्या है हमारा? पर रूप संधि, पर रूप संधि। पर रूप संधि में कहीं कहीं ए या आ के संधि, कहीं कहीं, कहीं कहीं ए या आ के आगे, ए या आ के आगे, ए या आ के आगे, ए या ओ, ए या ओ, ए या ओ हो तो पहले, पहले ए या आ सामने के ए या ओ में मिल जाते हैं, या ओ में मिल जाते हैं, मिल जाते
इसे पर रूप संधि कहते हैं, इसे पर रूप संधि कहते हैं। जैसे दंत जमा ओष्ठ ओष्ठ क्या बन जाएगा, दंतोष्ठ दंतोष्ठ। कंठ जमा ओष्ठ कंठोष्ठ कंठ जमा ओष्ठ क्या बन जाएगा हमारा, कंठोष्ठ कंठोष्ठ। सांप जमा एरा सांप जमा एरा क्या बन जाएगा, सपेरा सपेरा। मामा जमा एरा मामा जमा एरा क्या बन जाएगा, ममेरा। तो ये था हमारा स्वर संधि के दो भेद अतिरिक्त। स्वर संधि के दो भेद थे, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। अब आगे हमारा चलता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, या व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम होते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, पहले प्रश्न ये बनता है किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, उदाहरण देकर देकर स्पष्ट करें स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न हमारा बनता है कि व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम हैं। व्यंजन संधि के कौन-कौन से नियम होते हैं, कोई दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, कोई दो उदाहरण देकर स्पष्ट करें। हाँ, पहले हमारा ये आता है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, क्या व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन के सामने स्वर या व्यंजन आने से, व्यंजन के सामने स्वर या व्यंजन आने से, स्वर या व्यंजन आने से, स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार होता है, व्यंजन में जो विकार होता है, जो विकार होता है, जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को, स्वर या व्यंजन के मेल को, स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जैसे हमारा जगत जमा नाथ क्या बन गया हमारा, जगन्नाथ जगन्नाथ। दूसरा हमारा उत जमा हार उद्धार, उत जमा हार
क्या बन जाएगा? उद्धार। जगत जमा ईश, जगत जमा ईश, ईश जगत जमा ईश, क्या बन जाएगा? जगदीश। अगला है उत जमा लेख, उत जमा लेख, क्या बन जाएगा? उल्लेख। क्या हो जाएगा हमारा? उल्लेख। तो ये थे व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन के सामने स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। आपने देखा जगत जमाना जगना, जगत जमा जगदीश, उत जमा लेख उल्लेख, उत जमा हार उदार। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि के नियमों पर। तो व्यंजन संधि का पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है जैसे क ख ग घ ड़, तो हम इसके पहले अक्षर को क वर्ग कहेंगे। दूसरा हमारा है च छ ज झ ये, इसको हम च वर्ग कहते हैं। तीसरा हमारा है ट ठ ड ढ ण, इसको हम च वर्ग कहते हैं। चौथा है हमारा त थ द ध ण, इसको हम त वर्ग कहते हैं। पांचवा है हमारा प फ ब भ म, इसको हम प वर्ग कहते हैं। यानी कि पांचों अक्षरों के पहले वर्ण जो होता है उसको हम उसके नाम से वर्ग कहते हैं। अब हमारा नियम चलता है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण, यानी कि वर्ग का पहला है जैसे हमारा क है तो तीसरा हो गया हमारा ग, दूसरा हमारा च है तो तीसरा हो गया ज। तो इस प्रकार हमारा जो है वर्ग का पहला अक्षर तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे क च ट त प। ये हमारे जो हैं के पश्चात क च ट ट प, यदि पश्चात, यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण जैसे गय घ जय झ जय झ डय ढय दे धे दे धे बे भे बे भे, ये रे ले वे, ये रे ले वे। है या कोई स्वर आ जाए, है या कोई स्वर आ जाए तो उन्हें अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात कै को गए, चय को जय, चय को जय, और टय को डे, टय को डे, तय को दे, और पय का बय हो जाता है, और पय का बय हो जाता है, पै का बै हो जाता है। जैसे
जैसे हमारा है वाक जमा हरी, वाक जमा हरी, तो क्या बन गया वाग हरी, वाग हरी। आप देख रहे हैं कि पहला जो वर्ण था वो कै था, और तीसरा कै वर्ग का तीसरा हमारा गय हो गया, तो इसलिए बन गया वाक जमा हरी। दूसरा हमारा दिक जमा गज, दिक जमा गज, तो क्या बन जाएगा छात्रों दिग्गज, क्या बनेगा हमारा दिग्गज, क्या बन जाएगा दिग्गज, क्या बन जाएगा हमारा दिग्गज। तो इस प्रकार चय का जय, अच जमा अंत, अच जमा अंत, क्या बन जाएगा हमारा अजंत, क्या बन जाएगा अजंत, यानी कि चय का तीसरा वर्ण होकर चय, तो ये हमारा बन गया अजंत, क्या बन गया हमारा अजंत। इसी प्रकार अप जमा बे, अप जमा पे, तो तीसरा हमारा पे फे बे, तो अबज बन जाएगा, अप जमा जय, क्या बन जाएगा हमारा अबज, अप जमा जय अबज। तो इस प्रकार पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, कल व्यंजन संधि का हम दूसरा नियम लेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आप व्यंजन संधि के पहले नियम को अच्छी तरह से समझकर याद करेंगे, और आगे इसी प्रकार हमें खुशी का मौका देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।